बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। ये एक वीडियो खास जो जड़ी बूटियों के माहिर लोग हैं, जो कुश्ता साजी के माहिर हैं या जो जड़ी बूटियों से मोहब्बत करने वाले अहबाब हैं उनके लिए हैं और आमतुन्नास के लिए उनकी उनको पहचान करवाने के लिए। ये एक बूटी आपको नजर आ रही है, इसके पत्ते देखें, बड़े खूबसूरत बाजार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जहरीली है। ये देखें इसके ऊपर, ये ऐसे जिस तरह खनियर सांप नहीं होता पंखे वाला, उसकी तरह का, और इसको इंग्लिश में पिचर प्लांट कहते हैं, पिचर प्लांट। ये देखें, और बिल्कुल फनियर सांप की तरह, पंखे वाले सांप की तरह का इसका ये फन है। इसको तिब की जुबान में नागदोन कहते हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाके के लोग जो हैं ये इसको कहते हैं कि जहां पर सांप अपना जहर छोड़ के जाता है वहां पर ये उगती है, लेकिन ये उनकी अपनी अपनी कहावत है। लेकिन बेसिक इसके नीचे इसकी जो जड़ होती है वो बिल्कुल आलू की तरह की होती है, और ये सांप के जहर का तरियाक है, ये खाई नहीं जाती। इसको किसी तरीके से सांप के जहां पर सांप ने काटा वहां पर इसका पानी या इसकी जड़ को बांधा जाता तो उससे सांप का जहर जो है वो खत्म हो जाता है। और जो लोग सन्यासी लोग हैं इससे बेशुमार किस्म के कुश्ता जात और दूसरी दवाइयां जो जहरों का तरियाक है वो तैयार करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये अयूबिया का इलाका मैंने आपको बताया, तौहीदाबाद वहां पर मौजूद है। ये एक पौधा है, साथ और भी पौधे हैं ऊपर, और इसके इस फन के अंदर से एक सिट्टा सा निकलता है। ये देखिए, जिस तरह सांप ने जुबान निकाली हो इस तरह इसके अंदर से इसके बाद एक सिट्टा सा निकलेगा। उसके ऊपर दाने से होते हैं, कुछ के ऊपर सुरह रंग के दाने लगते हैं, कुछ के ऊपर पीले रंग के दाने निकलते हैं, और ये जो भी खा ले उसका गला फौरी तौर पे बंद हो जाता है। जिस तरह संगचूर या दूसरा सांप डस ले तो उसके बाद बंदे की सांस बंद हो जाती है, इस तरह इससे भी सांस बंद हो जाती है। तो ये आपको इसका तारुफ करवाना था, नागदोन इसको कहते हैं, और इसका इसकी शक्ल बिल्कुल नाग की तरह है। ये देखें, इंशाल्लाह इसकी तस्वीर भी एक साइड पे लगाएंगे हम अच्छी सी देख के, लेकिन यहाँ पर इस एरिए में बहुत ज़्यादा है। ये कुदरती फूल भी अल्लाह ही जानता है जी, ये अल्लाह की कुदरत है। ऐसे ऐसे कमाल के फूल हैं, ऐसी ऐसी कमाल की जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी हमें काफ़ी चीज़ों की पहचान नहीं, लेकिन जिनकी पहचान है वो मुकामी लोगों के साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कैमरामैन हुज़ैफ़ा साजिद के साथ हकीम साजिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।